हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। आजकल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, वो भी सिडनी सिटी में। सिडनी सिटी में बहुत ही सुंदर दृश्य बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। अब ये हार्बर का नाम है डार्लिंग हार्बर। इसी में सबसे बेस्ट वाला है ओपेरा हाउस। ये तो विश्व में ही बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बोल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर स्काईलाइन, बहुत ही लंबे लंबे बिल्डिंग्स। यहाँ तो बहुत सारे ऑफिसेस, इम्पॉर्टेंट बिजनेस हाउसेस, शॉपिंग एरियाज और स्टार होटल्स, ये सब यहाँ दिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक साइट सीइंग क्रूज निकल रहा है। ये क्रूज देखने में बहुत ही सुंदर है। इसमें बैठ के पूरा घूमने से बहुत मज़ा आएगा। पानी देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्लू है, बहुत ही सुंदर है देखने में। ये लंबे बिल्डिंग्स सब 70-80 फ्लोर्स के ऊपर ही हैं फ्रेंड्स। अभी हम ओपेरा हाउस के प्रांगण से ये डार्लिंग हार्बर के बहुत सुंदर सा ब्रिज को देख रहे हैं। ये डार्लिंग हार्बर का ब्रिज बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू ईयर वेलकमिंग में ये ब्रिज के ऊपर ही बहुत सारे फायरवर्क्स डिस्प्ले चलता रहता है। ये डिस्प्ले देखने के लिए बहुत पहले से पब्लिक और टूरिस्ट आके अपना अपना जगह लेके बैठते हैं। बहुत भीड़ होता है बोल के वो हम सुने थे। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और अभी हम लोग ये ओपेरा हाउस प्रांगण में हैं। यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। एक साइड ओपन एयर थिएटर चलता है और दूसरा साइड रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी हाउसेस ये भी रहते हैं। बहुत ही बड़ा प्रांगण है। और ये ओपेरा हाउस का अभी गोल्डन जुबली चल रहा है फ्रेंड्स। इतना सुंदर सा बिल्डिंग, हम अंदर देखने जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर है। यहाँ बड़े ऑडिटोरियम्स का 2,500 तक कैपेसिटी है, लेकिन बहुत सुंदर है। अंदर देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। आइए फ्रेंड्स, हम भी क्रूज़ पार्किंग में जाके अभी एक क्रूज़ में बैठेंगे। हम तो ये डिनर क्रूज़ में जाएंगे अभी। ये तो 3 घंटा चलता रहता है, आसपास सब दिखाते हैं। और अभी क्रूज़ में एंटर हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा क्रूज़ है। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का चलने वाला ट्रैवल क्रूज़ है। बहुत ही बड़ा है ना। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर दृश्य है अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल बिल्डिंग जैसा नहीं है ओपेरा हाउस। शेल्स जॉइंट करने से कैसा लगेगा ऐसा है। देखिए कितना सुंदर है। ये बनने में 14 साल लगा है बोले थे। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। और सनसेट के बाद और भी सुंदर दिखता है फ्रेंड्स। यहाँ पूरे लाइट्स और ग्लिटरिंग बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ओपेरा हाउस और भी सुंदर दिखता है। ओपेरा हाउस एक मल्टीपर्पस परफॉर्मिंग हाउस है फ्रेंड्स। ये तो इतना सुंदर है, सी शोर को ही प्लेटफॉर्म जैसा ही लेके ये बिल्डिंग को बनाया है। ये बिल्डिंग भी नॉर्मल जैसा नहीं है। ये रूफ सब शेल्स को जॉइंट करके बनाया है ऐसा लगता है हमको। इतना सुंदर बिल्डिंग, और ये बनाने में भी ये बहुत साल लगा। इतना सुंदर बिल्डिंग दुनिया में भी मशहूर हो गया फ्रेंड्स इसका आर्किटेक्चर से।
एक स्कल्पचर जैसा ही एक सिडनी में खड़ा है ये। आप देखिए हार्बर ब्रिज और ये स्काई लाइन पूरा हमारा क्रूज से जा रहे हैं, और क्रूज के अंदर ऐसे ही स्टेज पे परफॉर्मेंसेस भी चलते रहते हैं फ्रेंड्स, म्यूजिक एंड डांस, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। हम डिनर के साथ अब परफॉर्मेंसेस भी देख लिए थे। अभी हम लोग सिडनी में जो बड़े नेशनल बोटानिकल गार्डन्स है उसके पास से जा रहे हैं। अभी हम लोग हार्बर ब्रिज के नीचे से जाएंगे फ्रेंड्स, वो तो इतना सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा इसके नीचे से जाने में। और अभी जाएंगे ये हार्बर के एकदम मने पास में से, ये हार्बर में जितने सारे वेसल्स हैं, शिप्स हैं, ये सब हमको नज़दीक से दिखाई दिया है, बहुत ही अच्छा लगा ये भी। बहुत ही सुंदर दिख रहा था फ्रेंड्स ये सब मिलके इवनिंग लाइटिंग में, बहुत ही अच्छा लगा। ये क्रूज में बड़ा किचन भी रहता है फ्रेंड्स, क्रूज़ के ऊपर डेक में भी जाके हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ये सिडनी हार्बर विजिट आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।